दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिससे पति जल्द ही मालामाल हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अगर आपकी पत्नी भी करती है तो आपकी बर्बादी तय है, आपको भिखारी बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका काम मंदा चल रहा है, व्यापार ठप पड़ गया है, ग्राहक कम हो गए हैं या नौकरी में परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय घर की महिलाएं करें तो और भी ज्यादा असरकार होते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों जिस तरह से हर दिन आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है उसमें आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना कठिन होता जा रहा है। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन चिंता से ना आपकी समस्या दूर होगी और ना ही घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको जरूरत है अपने घर में कुछ नियमों पर ध्यान देने की, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, पति के बदले पत्नी भी बहुत सारे उपाय कर सकती है जिससे सीधे तौर पर पति को फायदा होता है। साथ ही घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी जब खुश रहती है और जब वो खुश होकर घर में पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करती है तो घर में तरक्की और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, पूजा घर में आम तौर पर सभी लोग देवी देवताओं की तस्वीर और मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर कम ही लोग रखते हैं, जबकि रसोई घर में ही आपके घर का बजट जुड़ा है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में जरूर लगा कर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाइए, इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर में बचत करने में भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों नंबर दो, शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर ले कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाइए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलानी चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देना चाहिए, इससे राहु केतु और शनि इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। दोस्तों नंबर तीन, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से अग्नि देव को भोग लगता है और देवताओं तक भोजन पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें, इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। दोस्तों नंबर चार, तुलसी की पूजा घर की महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर करें तो ज्यादा उत्तम रहता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पति आपके साथ तुलसी पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो भी आपको तुलसी पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। तुलसी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसा घर धन धान्य से भरपूर रहता है। ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है तथा आपके पति की आय में बरकत होने लगती है और आय के नए स्रोत आपके पति को मिलते हैं। दोस्तों नंबर पाँच, प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि देव के सामने जलाएं और सरसों के तेल में मीठे पुए बनाकर कुत्तों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पति पर आए सभी संकट टल जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके पति की आय में वृद्धि होगी और आपके परिवार में ऐशो आराम रहेगा। दोस्तों कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी परिश्रम और प्रयत्न के बाद भी धन नहीं मिलता या मनचाही सफलता नहीं मिलती। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते तो कभी मन माफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापारी है तो व्यापार में बरकत नहीं है जिसके कारण मानसिक शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है। नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी घबराहट बनी रहती है तो इसका कारण आपके घर में हो रही कुछ गलतियां भी हो सकती है। अगर आप इन गलतियों को आज ही सुधार लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इससे दिलो दिमाग तो शांत रहेगा ही, साथ ही प्रगति के सभी द्वार खुलकर धन की कमी भी दूर होगी, परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी। दोस्तों नंबर एक, झूठे बर्तन।
घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है। अगर आप किसी कारणवश बर्तन धो नहीं सकती तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी में किसी कोने में रख दे। दोस्तों नंबर 2, बाल खोलकर सोना। बहुत सी महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सोती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये आदत आपके पति का नुकसान कर सकती है? दरअसल बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है, जिससे पति और घर वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। दोस्तों नंबर 3, अगर सूर्यास्त के बाद आपके घर कोई दूध, दही या सफेद चीज मांगने आए तो उसे भूल कर भी ना दे, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगी। इससे आपके घर में अशांति का माहौल हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों घर से नकारात्मकता को दूर करने और पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी एक या दो कमरे में, जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा या काला नमक रख दे। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए और किसी को कुछ भी बिना बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दे। ऐसा करके आप नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या। जरूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। घर में घी, गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके मन में शांति का विस्तार होगा। दोस्तों बरकत आती है साफ नियत, साफ शरीर और साफ घर से। मन, शरीर और घर अगर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। साफ नियत के लिए दान दे। साफ शरीर के लिए रोजाना स्नान और व्रत करें। स्वच्छ घर के लिए सामुद्री नमक से पोछा लगाएं और घर का अटाला घर से बाहर कर दें। दोस्तों सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते। साथ ही लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस दोष को कम करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाइए। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहां कपूर की एक डली रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वहां का वातावरण बदल देगी। घर के सभी सदस्यों के सोने के स्थान उचित दिशा में रखें। घर में मोर पंख आपको जरूर रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। अगर मोर पंख को घर के उत्तरी पश्चिम कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष से मुक्ति मिलती है। अगर किसी स्त्री के शरीर के कुछ अंग बड़े होते हैं तो वो साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। ऐसी स्त्री होती है भाग्यशाली, चमका देगी आपका भी भाग्य। आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्री के उन अंगों के बारे में बताएंगे जिनका बड़ा होना बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र माना जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की एक रचना नारी है, जिसे वो स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसी कारण इस रचना के दोष और गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। दोस्तों हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें ये भी क्षमता होती है कि वो पथ भ्रष्ट होने पर उसे नर्क भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ उनके भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। समुद्र शास्त्र में एक औरत के गुणों को उसके शरीर की बनावट के आधार पर भली भांति बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास ऐसी स्त्री है उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको स्त्री के शरीर के कुछ ऐसे ही शुभ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर किसी स्त्री के शरीर के अंग बड़े होते हैं तो वो साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो वो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहला लक्षण है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। अगला लक्षण है लंबे और बड़े बाल।
शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। अगला लक्षण मांसल और पृष्ठ जंघाएं। मांसल और पृष्ठ जंघाएं भी सौभाग्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पृष्ठ व मांसल होती है वो सौभाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। अगला लक्षण है बड़ी आँखें। बड़ी आँखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि बड़ी आँखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। अगला लक्षण है लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। वहीं सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला लक्षण है पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती है। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बेहद सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती है। इसी तरह से हाथों की मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। दोस्तों कुछ महिलाओं का पीछे का भाग मोटा होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं ऐसी महिलाएं कैसी होती है। दोस्तों शादी के बाद महिलाओं में कई हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण वो ज्यादा खाने लग जाती है और उनका पीछे का भाग बड़ा हो जाता है। वहीं ज्यादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का हिस्सा ज्यादा बड़ा होने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बड़ा होता है तो उन्हें कई फायदे होते हैं, जैसे पुरुषों का इनकी ओर जबरदस्त आकर्षित होना और वहीं इन्हें बच्चे पैदा करने में काफी आसानी होती है। पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के शिशु को जन्म दे सकती है, जबकि इनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली और आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों में कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र है? लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में स्त्री के शुभ लक्षणों के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार वो स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संस्थानों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है, उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। वो स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है। जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती है और अंत में चलकर सुख भोगती है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा वो अंग है स्त्रियों में जो सबसे ज्यादा पवित्र होता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के पैर सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं, वहीं गाय के शरीर का पिछला भाग पवित्र माना जाता है, घोड़े का मुख पवित्र माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि स्त्री के शरीर का कौन सा भाग पवित्र माना जाता है? आपको बता दें कि स्त्री की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। स्त्री की नाभि में इतनी शक्ति है कि गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण मिलता है। स्त्री की नाभि में स्वयं मां शक्ति का वास माना जाता है।
एक स्त्री को अपनी नाभि में माँ शक्ति का सम्मान करते हुए तेल जरूर लगाना चाहिए। आपको सुबह नहाने के बाद अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए, इससे माता रानी का सम्मान होता है दोस्तों। और ऐसी स्त्री घर परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होती है जो अपनी नाभि में सुबह नहाने के बाद तेल का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।